बिल्कुल, अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसमें हम बात करते हैं फिटनेस की। जी हाँ, नेताओं की फिटनेस की। और आइए आपको बताएं, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जाहिर है नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं? यानी जो फिट है वही हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रखने के लिए वो करते क्या हैं? इसी क्रम में आज हम आपको दिखाएंगे महोबा के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत का फिट रहने का फॉर्मूला। ब्रजभूषण जी, आपकी अगर दिनचर्या की अगर हम बात करें, कितने बजे शुरू होती है और देर रात तक कब तक जगते हैं? सुप्रभात अभिनव जी, हम लोग लगभग 5 बजे तक उठ जाते हैं और फिर व्यायाम, टहलना, टहलने के साथ साथ टहलना रहता है, योगा, इसी तरह जी योगा और मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल, हर दिन? हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर ही होता है तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कोशिश करते हैं कम से कम पूरा 1 घंटा तो हम लोग अपनी फिटनेस को दें, और उससे अधिक अगर समय मिल जाता है तो फिर वो भी देते हैं। जब तक कोई आ ना जाए मदद के लिए, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि फिट रहने के लिए योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट अपना करें। देखिए, सुबह का नाश्ता हम लोगों का थोड़ा बहुत फल है या दलिया हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद फिर दोपहर के टाइम पे जो है दाल, रोटी, सब्जी हल्का फुल्का खा पाते हैं। वो उसका कोई निश्चित नहीं होता है कि हम लोग दोपहर का खाना खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हम लोग जनता के काम के लिए निकल गए किसी, तो महीने में तो 15 दिन ये मान लिख के चलिए कि मुझे दोपहर का खाना नसीब नहीं होता है। शाम को ही जाकर हम लोग जो है कुछ खा पाते हैं ठीक से, हल्का रात को। हाँ, रात को मजबूरी है हल्का खाना, नहीं तो फिर सुबह के टाइम पे दिक्कत होती है। तो रात का खाना तो वैसे भी हमारे ग्रंथों में और हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि रात का खाना नाश्ते से भी हल्का रखना चाहिए।